नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 9 Prime के बारे में। दोस्तों ये मेरे पास देखिए बॉक्स Redmi 9 Prime का, जिसे दोस्तों मैंने Flipkart की बिग सेविंग डे सेल से मंगाया है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दोस्तों इसके सारे फीचर के बारे में बताऊँगा, और साथ ही दोस्तों आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन मैंने कितने रुपये का परचेज किया है और इस पर मुझे कितना डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों सबको बताऊँगा इस वीडियो में, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स जो मैंने फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल से मंगाया है Redmi 9 Prime का। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। मैंने इसको ओपन करके देखा था यहीं से, क्योंकि जब मैंने मंगाया था तो एक बार मैं चेक किया था इसके अंदर मोबाइल है भी या फिर नहीं। चलिए मैं इसे ओपन करता हूं आपके सामने और आपको दिखाता हूं कैसा फ़ोन आता है। तो दोस्तों ये है इसका बिल, जिसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, और ये है वो मोबाइल। तो दोस्तों देखिए इस पर साफ तौर लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 मेड इन इंडिया और Redmi 9 Prime, जिसका दोस्तों मेरे पास है ये देखिए 4GB और 64GB वाले वेरिएंट, स्पेस ब्लू वाला। दोस्तों इसकी की हाइलाइट की बात करूं तो इसमें दोस्तों हमें मिलता है मीडिया टेक का हीरियो G80 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है। और दोस्तों इसमें हमें 13 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, बाकी दोस्तों 3 कैमरे और दिए गए हैं इसके अंदर। और दोस्तों फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है, देखिए यहाँ पर सब सब लिखा हुआ है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को दोस्तों सपोर्ट करता है, बट दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिलता है नॉर्मल चार्जर। और इसके अंदर दोस्तों आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है डॉट नॉच के साथ, जो कि दोस्तों जिसमें आपको कोरियन गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस बॉक्स को यहाँ से सील ब्रेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वैसे दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, बट दोस्तों मैंने इसको खरीदा अभी सेल से, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे सील ब्रेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसको आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसको ओपन नहीं किया था इससे पहले। तो दोस्तों जी इसके अंदर एक बॉक्स और मिलता है, इसमें दोस्तों हमें मिलता है लगाता हूँ मैं, तो दोस्तों इसके अंदर हमें कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, और ये मिलता है दोस्तों हमें एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर है इसका, काफ़ी मुलायम है सिलिकॉन वाला। और दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक चार्जर, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल चार्जर है, और ये है दोस्तों डाटा केबल, जिसमें दोस्तों हमें सी टाइप मिलती है, ये देखिए ये सी टाइप डाटा केबल है दोस्तों, और ये है एक नॉर्मल चार्जर। और दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों एक मिलती है हमें सिम इजेक्टर पिन, जो कि दोस्तों इसके अंदर लगी हुई है, ये देखिए ये रही। तो चलिए दोस्तों सब कुछ मैं साइड में करता हूँ और आपको मेन फ़ोन दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो फ़ोन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो दोस्तों इसको देखिए, इसका ब्लू कलर है ये, स्पेस ब्लू, जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दोस्तों फ़ोन भी देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका। दोस्तों मेरे पास है 4GB और 64GB वाला वेरियंट मेड इन इंडिया का, दोस्तों इस पर लोगो लगा हुआ है, तो दोस्तों जो इंडिया में असेंबल हुआ है, बट दोस्तों इंडिया बना नहीं है। अब दोस्तों मैं पहले इसे सेटअप करता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ, बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको इसके ऊपर के फंक्शन बता दूँ। तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले IPS पैनल के साथ। इसके बैक में दोस्तों हमें 4 कैमरा मिलते हैं, दोस्तों देखिए 3 कैमरे जो हैं, और ये दोस्तों 14 कैमरा, ये दोस्तों फ्लैश लाइट, और ये दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। और दोस्तों इसमें हमें एक मिलता है IR ब्लास्टर ऊपर की तरफ, और जी दोस्तों नॉइस कैंसलेशन माइक। इसके इस साइड में दोस्तों हमें मिलती है दोस्तों सिम ट्रे, जिसमें दोस्तों आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हो। तो इसमें दोस्तों आपको ट्रिपल स्लॉट कार्ड देखने को मिलता है,
इसके नीचे दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पर यूएसबी टाइप सी डाटा केबल का पोर्ट, और ये दोस्तों 3.5 mm जैक, और जी दोस्तों इसका माइक, और जी दोस्तों इसका स्पीकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको इसके अंदर के कुछ फीचर दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैंने इसको सेटअप कर दिया है, ये देखिए, और ये कुछ देर में सेटअप होने वाला है, ऑन होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर दोस्तों हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में, इसकी दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रही है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ देर में। तो दोस्तों देखिए ये सेटअप हो चुका है, और इसमें दोस्तों हमें ऐप ड्रॉअर भी मिलता है, और आप चाहो तो इसे नॉर्मल यूज भी कर सकते हो, जिसमें दोस्तों सारी एप्लीकेशन ऊपर ही आ जाती हैं, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें हमें 6.5 inch की एक IPS डिस्प्ले मिलती है सुपर एमोलेड पैनल के साथ, और दोस्तों इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। काफ़ी लोग हैं जो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, तो आप इस फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि काफ़ी फ़ोन दोस्तों रियलमी की तरफ से आ रहे हैं, उनमें आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो सामने वाले बंदे को पता लग जाता है, बट दोस्तों इस फ़ोन में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, आप इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और दोस्तों आप इसमें 2 SIM लगा सकते हो। इसके कैमरे की बात करूँ दोस्तों, मैं आपको एक कुछ सैम्पल दिखाता हूँ कैमरे के, फ़ोटो खींच के भी तुरंत के। दोस्तों देखिए इसका कैमरा मैंने ऑन किया है, अब मैं आपको इसमें कुछ फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जी हाँ दोस्तों इसका सैम्पल देखिए, काफ़ी क्लियरिटी आई है कैमरे के मामले में इसकी, काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका। ये देखिए कितना क्लियर फ़ोटो आया है। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, फुल HD डिस्प्ले है, और दोस्तों इसके सेटिंग में हमें इसमें मिलता है हमें Android 10। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट फ़ोन में आगे। तो दोस्तों इसमें हमें मिलती है 64 GB मेमोरी, जिसमें दोस्तों 15 GB एप्लीकेशन में दोस्तों पहले से घिरी हुई है। और दोस्तों इसमें हमें मिलता है MIUI 12.1 स्टेबल वर्जन, और दोस्तों एंड्रॉयड 11 पर दोस्तों ये रन करता है। तो दोस्तों इसमें हमें 4 GB रैम मिलती है, जिसमें दोस्तों हमें काफ़ी रैम इसमें दोस्तों खाली मिल जाती है, और 15 GB स्टोरेज इसकी भरी हुई है, 64 GB स्टोरेज हमें इसमें मिलती है। सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों इसका दिखाया जा रहा है 2020, क्योंकि दोस्तों जब अभी फ़ोन मैंने ऑन किया, जब मैं इसको इसमें सिम वगैरह डालूँगा तब शायद इसमें दोस्तों कोई अपडेट वगैरह आए, अभी मैंने इसमें कोई सिम नहीं डाली है दोस्तों, मैं सिर्फ इसको ऑन किया है। ये दोस्तों Redmi 9 Prime 4 GB 64 GB वाले वेरियंट, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और दोस्तों अब मैं इसको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे ख़रीदा है, कितने रुपए में ख़रीदा है। तो दोस्तों देखिए ये है इसका बिल, जिसमें दोस्तों इसकी रेट दिखाई जा रही है 9999, बट दोस्तों मैंने इसको कैश नहीं ख़रीदा, मैं दोस्तों इसको ख़रीदा है अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से EMI के ऊपर। दोस्तों फ्लिपकार्ट की जो सेल चल रही है उसमें आपको काफ़ी डिवाइस है उनके ऊपर आपको डेबिट कार्ड की EMI अवेलेबल मिलती है, काफ़ी लोगों के पास दोस्तों बजाज कार्ड नहीं होता, बट दोस्तों अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है तो आप उसी बैंक के डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड दोस्तों हर किसी के पास मिल जाता है जिसका अकाउंट होता है HDFC बैंक में, तो आप उसी कार्ड से इसको EMI पर अच्छे ले सकते हो, अच्छी EMI पर। मैं दोस्तों मैंने इसको काफ़ी कम EMI पर लिया है, मैंने लिया दोस्तों इसको सिर्फ 900 रुपये मंथ की EMI पर, जिसमें दोस्तों मुझे 900 रुपये पर मंथ इसमें पे करने हैं, और दोस्तों मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैंने इसकी EMI कब पे कर दी, क्योंकि दोस्तों 900 रुपये आसानी से महीने के महीने पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा है, और दोस्तों जब आप इस फ़ोन को EMI पर ख़रीदोगे तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको पड़ेगा समथिंग 10.5 और 11 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को इस तरीके से ले सकते हो, और अगर आप इसे कैश लेना चाहते हो तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 10,000 से कम कीमत में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पर ऑफर चल रही है बैंक की, तो उसमें दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 9,000 रुपये में पड़ सकता है। तो दोस्तों आपने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग देख ली, आपको सारे फीचर पता चल गए, और दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि ये फ़ोन मैंने EMI पर लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हो तो 1-2 दिन की सेल और बाकी रह गई है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का तो आप इस फ़ोन को EMI पर ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।